यदि आपने किसी ने धरने हैं तो आप आज भी कर सकते हैं। गुरुद्वारे में जाइए, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी को सुनिए, उसके अंदर गुरु हमारे दसों गुरु विराजमान हैं। दसों गुरु के अलावा हमारे बहुत सारे भक्त अलग अलग जाति से, कबीर दास जी जुलाहा जाति से, फरीद साहब जी मुस्लिम जाति से, रामानंद जी हिंदू जाति से, और सहन नाई सदना कसाई, ये सारे लोग गुरु ग्रंथ साहब में विराजमान हैं। हम सबको नतमस्तक करते हैं जिसने उस परम पिता परमेश्वर की स्तुति करी है। जिस भी विद्वान ने उस समय के उसकी स्तुति करी है वो गुरु ग्रंथ साहब में विराजमान है। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए, ये गुरु ग्रंथ साहब में है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन पले को मंदे, ये गुरु ग्रंथ साहब में है। आप सोचते होगे एक गुरु नानक साहब की वाणी आती है, जो तो प्रेम खेलर का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। आप कहोगे यार ये तो गुरु नानक साहब का सिद्धांत रहा नहीं होगा, गुरु गोविंद सिंह साहब का रहा होगा, गुरु गोविंद सिंह साहब ने खालसा बनाते वक्त इस तरीके की बात करी होगी, लेकिन लिखा ऐसे गुरु नानक साहब ने। तुझे अगर इस बात का वो है कि लड़ना है, आना है मेरी गली में, तो अपना सिर निभा के सिर इधर भेंट कर दे, उसके बाद आ। ऐसे हमारे गुरु नानक का सिद्धांत था। गुरु नानक का मूल सिद्धांत जो था, किर्त करो, अपने ग्रस्त आश्रम में रह के अपने कार्य व्यवहार को करो, कमाई जरूर करो, नाम जपो, उस परम पिता परमेश्वर की बंदगी करो, उसका नाम लो और वंड छको, बांट के खाओ। बांट के खाओ का सिद्धांत जो आप देखते हो गुरुद्वारों के अंदर, चाहे वो देख के रूप में हो, चाहे वो लंगर के रूप में हो, वो गुरु नानक साहब का चला हुआ सिद्धांत है। गुरु नानक साहब की एक सबसे बड़ी विशेषता और भी रही है, गुरु नानक साहब ने अपने पास बुला के किसी का उद्धार नहीं किया। जहां जाना था, जहां उन्हें लगा कि इसका उद्धार करना है, तो गुरु नानक साहब वहां पे गए, वहां जाके उसका उद्धार करा। आज हम गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश पर्व मना रहे हैं। बरेली की सिख संगत के अलावा सभी समुदाय की संगत बड़े प्रेम और प्यार से यहाँ के कीर्तन श्रवण करेगी, कथा श्रवण करेगी, गुरु का लंगर ग्रहण करेगी। आप सबसे भी हम निवेदन करते हैं, आप सब लोग भी आइए। एक और जहाँ पे आपने इस प्रोग्राम को कवर करना है, आप आके गुरु जस को सुनिए, गुरु का लंगर हमारे साथ ग्रहण कीजिए। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। वाहेगुरु जी की फतेह। आज जो मीडिया को बुलाया गया है वो गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, जो विश्व पंडित इंटर कॉलेज में सात संगत सेंट्रल गुरु कमेटी संयोग से मनाया जा रहा है, जिसमें पंथ परिषद के रागी जत्थे पंजाब से आ रहे हैं, जो कल दोपहर पहुँच जाएंगे। कल रात्रि 6 बजे से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, जो परसों 8 की शाम 4 बजे तक चलेगा। इसमें बड़ी शहर की समस्त संगत महाराज के दर्शन कीर्तन सुनने अपने संगतों के दर्शन करने आएगी। महाराज चर्च का रखा सबको संगत को, हम लोग है चर्च कला मनाते रहे ग्रुप। इसमें सिख बच्चियों के विवाह, बच्चों की पढ़ाई, बेसहारा सिख विधवाओं की मासिक पेंशन, अब आपदा के शिकार सिख परिवारों के लिए एक सिख रिलीफ फंड है, वो भी इसमें सेंट्रल गुरु कमेटी के पास है। इसमें माता बहक और ग्रुप अखंड की जत्था, सिख सेवा जत्था, सिख कॉलेज, गुरबाणी सेवा सोसाइटी, खालसा पंथ सुखमणि सोसाइटी, गुरु सेवा जत्था, बरेली की समस्त सात संगत द्वारा मिलकर मनाया जा रहा है। आदित्य कौन रहेगा? ज्ञानी, बाहर से ज्ञानी हमारे आ रहे हैं। जय प्रकाश आ रहे हैं, पंथ प्रसिद्ध के रागी भाई तजेंद्र सिंह खन्ना से आ रहे हैं, पंजाब से। भाई अवतार सिंह जी हजूर रागी जत्थे दरबार साहब गोल्ड टेम्पल से, और ज्ञानी मनिंदर पाल सिंह जी आ रहे हैं रोपड़ पंजाब से, विशेष रूप से पहुँच रहे हैं। कल सब लोग कल पहुँच जाएंगे। उनका नंबर हर त्यौहार के बच्चों के लिए।